भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी पकड़ती जा रही है, जिसे लेकर केंद्र व राज्य सरकारें सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस से हालात बेकाबू होने की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8067 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन के 4 मामले शामिल हैं। 1766 मरीज रिकवर हुए हैं और 8 मरीजों की मृत्यु हुई है। सक्रिय मामले 24,509, कुल रिकवरी 65,09,096। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी 4 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। शुक्रवार को 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अकेले मुंबई में ही आज 5,631 मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में माया नगरी की स्थिति हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। अभी तक किसी तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस स्पीड से मामले बढ़ रहे हैं और क्योंकि अब कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं दिख रही है, बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 450 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।